हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। दोस्तों, अगर आप एलएनटी कंपनी में यानी कि एलएनटी की जो एनर्जी हाइड्रोकार्बन जो कंपनी है इसमें अगर जॉब करना चाहते हो और वो भी एचएससी फील्ड में, तो ये जो है आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि एलएनटी की तरफ से जो है अभी कुछ रिक्रूटमेंट निकली है, तो उसमें जो है एचएससी डिपार्टमेंट के लिए जो है कई सारी जो है ओपनिंग्स निकली है। अब इसमें कौन कौन सी ओपनिंग है, तो सबसे पहली जो ओपनिंग है वो है सेफ्टी स्टीवर्ड की। और ये जो जो जॉब है ये आपकी जो है परमानेंट रहने वाली है, फुल टाइम आपकी जॉब रहने वाली है। फिर उसके बाद की जो वैकेंसी निकली है वो है सेफ्टी ऑफिसर की। सेफ्टी मैनेजर के लिए भी जो है एलएनटी की तरफ से जो है वैकेंसी निकली है। और एक वैकेंसी निकली है वो है सेफ्टी इंचार्ज के लिए भी जो है एलएनटी की तरफ से जो है वैकेंसी निकली है। अब ये जो सारी वैकेंसी है ये आपको जो है इंडिया में, इसके साथ साथ जो है सऊदी अरेबिया में भी जो है काम करने का यहाँ पर जो है मौका दे रही है। यानी कि एलएनटी की तरफ से जो है आपको ये जो जॉब है ये इंडिया में काम करने का तो मौका दे रही है, इसके साथ साथ जो है आप सऊदी अरेबिया में भी जो है जो भी कैंडिडेट्स हैं जो गल्फ कंट्री में जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए भी जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है आप इंडिया में भी जॉब कर सकते हो या फिर जो है आप सऊदी अरेबिया में भी जो है जॉब कर सकते हो। अब ये जो जॉब है ये आपकी जो है फुल टाइम रहने वाली है, यानी कि जो है आपका परमानेंट जॉब जो है यहाँ पर रहने वाला है। अब ये जो जॉब है इसका जो है फुल लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर जो है आप इसको जो है आसानी से जो है चेक कर सकोगे और इसमें जो है क्या क्या कंडीशंस रखी हुई है, क्या क्राइटेरिया है वो जान सकोगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक है, जहाँ पर जो है आप जाकर इसको कैसे अप्लाई करना है वो भी जान सकोगे। तो मैं यहाँ पर जो है आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने में जो है ये नोटिफिकेशन आएगा, इसके साथ साथ जो है कुछ एक आर्टिकल्स रहेगा, उसमें जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एलएनटी एनर्जी हाइड्रोकार्बन की तरफ से जो है ये रिक्रूटमेंट निकली है। अब इसका जो है वॉक इन इंटरव्यू जो है वो होने वाला है चेन्नई में, वाइजैक में और वडोदरा में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो कैंडिडेट्स जो है वॉक इन के लिए नहीं जा सकते तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो वीडियो के जो है लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अगर वॉकिंग के लिए अगर इंटरव्यू के लिए अगर नहीं जा सकते हैं तो वो जो है ऑनलाइन भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, अब ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर चेक कीजिए और उस आर्टिकल को आप जब डिटेल में पढ़ोगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन जो है आपने कैसे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है चेन्नई, वाइजाक या फिर वडोदरा में, तो इसके लिए जो है कुछ उन्होंने क्राइटेरिया रखा है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स है उनके लिए। तो आपके पास जो है फुल टाइम डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, इसके साथ साथ जो है 60% का जो है आपका स्कोरिंग होना चाहिए, यानी कि इसमें जो है आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है 5 से लेकर 15 साल का जो है एक्सपीरियंस आपके पास ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करने का होना चाहिए। यानी कि फ्रेशर जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिन कैंडिडेट्स के पास जो है 5 से लेकर 15 साल का एक्सपीरियंस है वही जो है यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मौका आपको मिल रहा है इंडिया में काम करने का, इसके साथ साथ जो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में भी जो है काम करने का यहाँ पर जो है एलएनटी की तरफ से आपको मौका मिल रहा है। तो वॉक इन इंटरव्यू जो है वो है डोमेस्टिक पोजीशंस के लिए, तो ये सबसे पहला जो है वो है इंडिया के लिए, यानी कि डोमेस्टिक पोजीशंस के लिए। तो ये कहाँ कहाँ पर है वो हम पहले जान लेते हैं। तो ये है डोमेस्टिक पोजीशंस के लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ नीचे में ये है एचएससी में आप देख सकते हो यहाँ पर है सेफ्टी इंचार्ज की जो है ये डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के लिए जो है ये वैकेंसी है सेफ्टी इंचार्ज की, और दूसरी जो है वो है सेफ्टी स्टीवर्ड के लिए। ये कहाँ के लिए है, ये डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के लिए जो है ये वैकेंसी है। सेफ्टी इंचार्ज की जो वैकेंसी है वो है पानीपत लोकेशन के लिए, सेफ्टी स्टीवर्ड की जो वैकेंसी है वो है जामनगर गुजरात के लिए, ठीक है। अब इसके लिए जो है वॉक इन इंटरव्यू जो है वो होने वाला है। अब जैसे कि ये वॉक इन इंटरव्यू जो है स्टार्ट हो चुका है, तो
आप यहाँ पर देख सकते हो कि 16 तारीख को जो है ऑलरेडी वॉक इन इंटरव्यू हो गया है, तो इसके लिए आपको अब आप नहीं जा सकते। लेकिन जैसे कि कल का दिन जो है 22 जून है, तो कल जो है आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हो इस पोजिशन के लिए। आपको कहाँ जाना है तो इसका भी जो है यहाँ पर एड्रेस दिया है, वॉक इन इंटरव्यू का एड्रेस दिया है, वो है L&T लिमिटेड कन्वेंशन सेंटर, L&T कंस्ट्रक्शन डिवीजन, PO बॉक्स 979 माउंट पूनामाले रोड, मनप्पकम, चेन्नई 600089। अब ये जो नोटिफिकेशन है, ये आप नीचे में जो लिंक दी गई है उसमें को डाउनलोड करके जो है इसको डिटेल में भी जान सकते हो। इंटरव्यू का यानी कि वॉकिंग का जो टाइमिंग है वो है सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, तो इसी टाइम के बीच में जो है आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो ये जो बात होगी ये है इंडिया के वैकेंसी की। अब हम बात करते हैं कि सऊदी अरेबिया के लिए जो वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है उसके बारे में। तो ये जो है ये पोजीशंस, इसके लिए जो है अलग पोजीशंस है, तो आप देख सकते हो कि कई सारे जो है यहाँ पर पोजीशंस है। तो उसमें से जो है यहाँ पर है HSC की, वो है सेफ्टी मैनेजर के लिए जो है सऊदी अरेबिया के लिए वैकेंसी निकली है, और सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी जो है वैकेंसी निकली है। इसके साथ साथ जो है इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेटर के लिए भी जो है यहाँ पर वैकेंसी निकली है L&T की तरफ से। अब जॉब लोकेशन है वो है जफूरा प्रोजेक्ट साइट, तो ये जो है ये सऊदी की जो है, सऊदी में जो है आपकी यहाँ पर जो है साइट रहने वाली है, जिसका नाम है जॉब लोकेशन का जो नाम है वो है जफूरा प्रोजेक्ट साइट, ठीक है। तो इसके लिए जो है 30 जून को जो है वाइजैक में जो है इंटरव्यू होने वाला है, तो वाइजैक का जो है ये आप एड्रेस यहाँ पर देख सकते हो। वैसे जो है चेन्नई में जो है 22 जून को जो है इसका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, तो उसका भी जो है आप यहाँ पर ये मेनू वेन्यू क्या है वो देख सकते हो, और टाइमिंग क्या है वो भी यहाँ पर जान सकते हो। नीचे में यहाँ पर जो है नोट भी दी गई है, यहाँ पर जो है इस नोट को जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। तो पहला है पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो भी वुमन कैंडिडेट्स या फिर पर्सन है जिनको डिसेबिलिटी है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर जो है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइनर जो रोल है उसके लिए। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपके पास जो है आपने जो है 2 कॉपीज जो है CV की उसको जो है कैरी करना ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो है आपका जो रिज्यूम रहेगा उसके ऊपर जो है आपने किस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो वो भी आपको जो है उसमें मेंशन करना है। 4th पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जो है वॉक इन इंटरव्यू को जो है अटेंड नहीं कर सकते हो तो आपको जो है ये जो मेल ID है इसके ऊपर जो है मेल आप कर सकते हो, यानी कि आपका जो CV या फिर जो रिज्यूम रहेगा वो जो है आप यहाँ पर जो है सेंड कर सकते हो। तो ये यहाँ पर जो है बताया गया है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आप इनकी जो है ये जो वेबसाइट है इसको भी जो है चेक कर सकते हो। तो इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है इसको डाउनलोड करके और भी इसको जो है डिटेल में जान सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो है नहीं जा सकते हैं तो वो भी जो है यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के नीचे में जो है डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर जो है इसको डिटेल में जान सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।